बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पेशौरियों, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम हिंदुवार। दिस इज़ वंस अगेन योर बॉय शाहजी एंड वी आर लाइव एट दिल पेशौरी मशरिक टीवी दे नवे एपिसोड। जनाब एक दफ़ा बात थानू अपने दिल की गहराई नाल, अपने पूरे खलूस नाल, अपने पूरे एतमाद नाल, अपने पूरे प्यार नाल, अपनी पूरी चाहत नाल। अरे वाह शाह साहब, एक उनवान दे 6 अल्फाज, ठीक हो गया। पूरी चाहत नाल जनाब थानू खुशामदीद करना। उम्मीद करना तुसी बिल्कुल ठीक ठाक हो सो, तुसी तुहाड़ा एहलो हयाल, तुहाड़ा कुंबा, पूरा खानदान, मोहल्ले वाला इलाका, पेशौर, पूरा पाकिस्तान जनाब अल्लाह ताला दी खास इनायत हमेशा शामिल रहसन। उम्मीद कर साहब तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, उसी मैं भी थोड़ा बहुत इंतजार किया हर साल इससे पहले कि मैं अपना शो शुरू करा। मैं हमेशा की तरह थोड़ा इंतहाई शुक्र अदा कर सा जनाब कि थोड़ी इन मुहब्बत ने मनु चार चंद ना छोड़े, ठीक हो गया। हूँ बाजार फिरना तो लगता है कि यार हाँ यार मैं चलो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वडे से लैके बच्चे तक साड़ी मावा भैन जोड़े भी देखती पे उन्होंने जितना प्यार दिता यार, जितना उन्होंने मनु खलूस नाल, जितना मनु चाहत नाल, जितना नो अपने मैं हमेशा गल कर सा कि कम बहुत लोग कर दें, लेकिन साढ़े तो थोड़े कम में से अपनापन बहुत है, अपनाइत बहुत है, ये बहुत कमाल है, ठीक हो गया। मनु इस नहीं लगता कि असी कभी भी मिले नहीं हैं, लेकिन असी जो भी बाहर मिलने मेरा थोड़ा रिश्ता वही होता है जिस संग के बाखुदा कोई साड़ी कोई पुफी वाल आप होता है, ठीक हो गया। उम्मीद करना जनाब अल्लाह ताला ए रिश्ता, ए ताल्लुक, ए सफ़र, ए कारवान हमेशा इस तरह कायम रखे ताकि असी जड़ा मकसद लैके टुरे हैं, असी जड़ा एक अपने जहन जी उम्मीद लैके टुरे हैं जनाब, अल्लाह ताला उन्हों कामयाब करे। यानी आओ अज का शो बहुत इंट्रस्टिंग है। अच्छा अज चूँकि मुहर्रम उल हराम है तो कोई स्किट नहीं गा, एंड कोई सॉन्ग भी नहीं गा, ठीक हो गया। लेकिन थोड़े नाल मेरी कॉल्स का सिलसिला वो जारी रहसी। अज का टॉपिक मैं इंडोर्स कर सा बिकॉज मैं टॉपिक वही चूज करना जेड़े मनु जिंदगी आप ही महफिल कहते हैं। मैं किताबी बंदा ही नहीं गा, किताब बहुत ही घट मैंने, लेकिन मैंने लोगों के रवैये पढ़े, मैंने लोगों के मिजाज पढ़े, मैंने अपनी जिंदगी के गुजरे हालात पढ़े, तो उन्होंने हालात के तनाजुर उन्होंने रिश्तों असी जड़ा कुछ देखने वही टॉपिक मैं थोड़े सामने प्रजेंट कर देना। तो मनु अच्छा ही लगता है कि तुम भावे मुश्किल हो आसान हो जो भी होवे तुसी मेरे नाल खलो जाते हो कि शाह साहब गल है तुम कुछ आंदा कि नहीं आंदा असी तेरे नाल खलोते अनकंडीशनली, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि अज भी तुहाड़ा ते मेरा सफ़र, तुहाड़ा ते मेरा जड़ा एक रिश्ता वे वो अज भी इस तरह मजबूत रहे। यानी आओ मैं टॉपिक शुरू करने तो मैं तुहाड़ी कॉज लैना। इंसान की बहुत ख्वाहिशात हैं, बहुत ख्वाहिशात हैं जी, मेरी भी बहुत ख्वाहिशात। हर इंसान इस दुनिया च अपनी ख्वाहिशात का असीर है। चलो लफ्ज़ थोड़ा सख्त आया लेकिन सुन लो, हर इंसान बहुत घट होंगे जेडे अपने ख्वाहिशात नू मार देंगे, लेकिन मेरे यार हर बंदा जिंदगी ख्वाहिशात का असीर है। नवी गड्डी चाहिए, अच्छा कार चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा मयार चाहिए, इलाके स्टोर चाहिए है, 5-10 बंदे मेरे पीछे फिरने चाहिए, हर बंदे की एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने एक गल नोट की थी आगा, तो वो गल मैं थोड़े सामने पेश कर सा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ख्वाहिश है कि यार मेरे को फलानी गड्डी होनी चाहिए, उस गड्डी की कीमत दैट सब 3 लाख रुपये है, ठीक हो गया। मैं पूरी उम्र मेहनत करना, उसके पीछे जान मारना वा ना, मतलब दौड़ मारना वा, इतने काम किया उत्थे काम किया, फाइनली कई साल की मेहनत के बाद वो गड्डी मैं लै छोड़ी, किसी ने भी लै छोड़ी, ठीक हो गया। लेकिन मैं एक गल नोट की जो इंसान वो शय हासिल करता है, जो गड्डी उस गड्डी का दरवाज़ा खोल के उस गड्डी बैठता है, जो गड्डी चाबी लाता है, तो जनाब उसकी खुशी का जो टाइम पीरियड है वो 5 से लैके 10 मिनट तक है। बस ये मैंने नोट किया, मैं बड़ी रियलिस्टिक गल कर सकता हूँ कि इंसान कितनी ने दौड़ मारी है प्लेटफॉर्म 5 साल ने लाइन उस गड्डी पीछे, जो उन्हें वो गड्डी स्टार्ट की थी एक चक्कर मारा ना आगा, तो उसकी खुशी का बस उतना ही टाइम आया, और जी 5 साल उन्हें मेहनत की थी उन्होंने शायद मेरे ख्याल 10-15 मिनट की खुशी हुई उसी उसी बाद वो खुशी किधर ना किधर मुर्दा हो गई, मतलब उसका कोई वजूद नहीं रहा, ठीक हो गया। लेकिन मैंने आज का जो मैं टॉपिक सोचा है कि यार इंसान नू खुशी किन शैवल मिलती है, वो किड़ी शैवन जी इंसान नू हकीकतन इंसान के दिल नू जनाब उदी रूह नू उदे मिजाज नू उदी तकवीयत बख्शदन, खुशी बख्शदियां। तो यही जनाब अज का मेरा टॉपिक है कि पैसा खुशी बख्शदा है या महंगी गड्डी खुशी बख्शदी है या नहीं, कोई जहाँ शैवां हैं इस दुनिया जी इंसान नू सच्ची मुची खुशी का सामान कर दिया। मेरे को कॉलर हूँ मैं कॉल करो तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बादशाह जी। महबूब साहब किस ठीक ठाक हो, खैरियत है? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਹਿਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਸ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਬਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ बस चली बसें चली बसियां अच्छा ठीक है नवी कुछ आज तो कोई आई नहीं जी हां अरे वाह महबूब साहब ये माहौल ऐसा होया नहीं ए पाकिस्तान दा अपने शहर दा माहौल कोई ऐसा होया कि टेंस माहौल है हां टेंस तो है मानता हूं ये गल में क्योंकि एक कोरोना ने बड़ा गंद पाया है अल्लाह ताला रहम करे बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है खुदा ताला रहम करे आज भी मैं देखना पिया कल साडा एक बड़ा अच्छा दोस्त है अच्छा उसका कजन फोटो है ठीक है वो जाया सिवा जाया ए ओ कोरोना फोत है मन से इतना दुख है मैंने कह रहा है जनाब ए अपना तुझे सारे ख्याल रखो बिकॉज़ ए बड़ा इंपॉर्टेंट है ए बताओ आज के टॉपिक पे सुन दे हो खुशी किस शय दी मरूने मिन्नत है इंसान नु खुशी कदो मिलदी है थोड़ा किराए पे आगाज थे दिल दी खुशी है जी ना पैसे दी खुशी है दिल दी हां दिल दी खुशी किसंग मिलदी है जी दिल दी खुशी से मिलदी है जी कि तुसी अपनी इबादत करो अल्लाह ताला नु याद करो जिक्र खुदा वाह जिक्र खुदा दे कार क्या बात है कसम खुदा दी के और किसी दे कार भी बिल्कुल भी खुशी नहीं कि पांच तुसी अरबपति हो जाओ एक करोड़पति हो जाओ अगर पानू दिल दा सुकून नहीं गा तोडू दिल दा सुकून नहीं गा अरे वाह क्या बात है दिल दा सुकून नहीं गा ते कुछ भी नहीं गा क्या कर दियो ना शामत है बिल्कुल ठीक है दिल दी सुकून होना चाहिए जी बिल्कुल ठीक दिल दा सुकून सही होंदा है कि तुसी अल्लाह ताला नु याद करो अल्लाह ताला नु तुसी देखो अल्लाह ताला कहे तू मेरे एक हाथ था मेरे तेरे 70 हाथ था अरे वाह 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 सोचो ना जी कि वो कितना रहीम थे कितना करीम था दोनों को कितनी खुशियां देती बेशक बेशक ठीक है जी बेशक देखो वो एक गुलकार है जिन्हें केला गाना गाया दिल दिल ए पाकिस्तान जी जी एक बड़ा अच्छा जुनेद जमशेद बिल्कुल अजय गले वो कहते वो एक अलामा साहब को गए उन्होंने क्या कह रहा कि मैनू तो बड़ी ज्यादा मेरे को जरूरत भी ऐसा कुछ है खुद दिल का सुकून नहीं गा ठीक है उन्हें क्या तू सब कुछ छोड़ दे जीना लाजा अरे वाह बहुत और जो कि जीने लाया थे अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी खुशी दी है और कहने जी हूं मैं इतना खुश हां क्या बात है कि मेरी कोई नहीं मेरी कोई मिसाल नहीं मेरी कोई बिसात नहीं महबूब साहब इंतहाई मशकूर हां थोड़ा इंतहाई हसनमंद हां कि तुसी हमेशा कॉल करके इस शो नु एक तकवीत बख्श दो एक उड़ान बख्श दो एक परवास बख्श दो आगा यही मेरा जो टॉपिक है कि अगर इतने पैसे खर्च करके भी इंसान कोई शय लैंदा है लेकिन उसनु ओदी खुशी 10-15 मिनट या एक दिन से ज़्यादा ना होसी लेकिन वो केड़े अवामिल हैं वो केड़ी शय हैं जनाब जोड़ी इंसान नु वाकई खुशी दा जरिया बख्श देन यही मेरा जो टॉपिक है अगर गल समझ आवे तो कॉल कर लो गल समझ ना आवे तो टॉप न्यूज़ आने कोई मसला नहीं गा लेकिन अगर तुम कॉल करते हो मुझे बताओ कि तुहानू क्या लगता है मेरे महबूब आगा ने किया कि यार जिक्र खुदा भी खुशी दा सकून दा एक जरिया वे मैं चाहना कि तुसी आज मैं कॉल करो मैं बताओ कि जनाब खुशी हासिल करने दा के जरिया वे या खुशी हासिल करने दे के अवामिल क्या महंगे कपड़े पा लेने से खुशी होंदी है सवाल है मेरा अगर मेरा सवाल समझ आवे तो मैं जवाब देना होता कि महंगे कपड़े पाने से खुशी होंदी है कि महंगी गड्डी फिरने खुशी होंदी है कि अच्छा खाना खाने नाल खुशी होंदी है खुशी किस मिलती है नहीं जनाब मेरा बड़ा मासूमाना जिहा मेरा बड़ा अजजाना जिहा सवाल है तो मैं उम्मीद कर सां कि अगर अज तुहानू इस सवाल समझ आ जाए तो मैं चाहना कि तुसीं मैनू जवाब दियो तो यह जवाब दियो कि मैं कहूँ आज बहुत उम्दा यार ठीक हो गया आया कॉलर वायदा अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है सर मैं ठीक ठाक कौन साहब किस पे गल कर दें जी जी आसिफ कराची से जी यासिर भाई किसंग हो ठीक ठाक हो खैरियत है जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र तो कराची से भी गल कर दो तुसी जी जी अच्छा यासिर भाई शो पे देख दे हो क्या कहना चाहसो जी 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 शो देख रहे हैं आप शो देख रहे हैं पूछना चाहते हैं कि ये शो किस हवाले से चल रही है अच्छा शो इस हवाले से चल रहा है कि मेरा सवाल कर रहा हूँ मैं लोगों से कि यार अगर इंसान को खुशी किन चीज़ों से मिलती है क्या वो पैसे से मिलती है क्या वो महंगी गाड़ियों से मिलती है या कोई और ऐसे अवामिल हैं जिनसे इंसान को खुशी हासिल होती है जी हेलो सर खुशी इस हवाले से मिलती है कि खुशी मिलती है मोहब्बत से प्यार से अरे वाह मोहब्बत से मिलती है अगर जहाँ बंदा खुश ना हो ना वो चाहे मेलों में रहे वो खुश नहीं रह सकता बहुत उम्दा अगर जहाँ वो खुश रहना चाहता है वो छोटी सी झोपड़ी में रहना वो खुश है तो उसके लिए वो ही बहुत है अरे वाह बहुत उम्दा सबसे खुश रहने के लिए दुनिया में मोहब्बत की जरूरत होती है अच्छा और ये मोहब्बत हम लाएंगे कैसे मेरा ये अगला सवाल भी आप सुन लें कि मोहब्बत की ज़रूरत तो है लेकिन शायद हम नफरतों का व्यापार करने लग गए हैं ये मोहब्बतें कैसे लेकर आएंगे हम इस ये भी का जवाब ज़रा दीजिएगा मुझे सर वो मैं बताना एक शेर में बताना चाहता हूँ। बताएं अता करें जी। कि किसी ने पूछा जनाब आपका कारोबार क्या है, मुझसे पूछा। अच्छा। किसी ने पूछा कि जनाब आपका कारोबार क्या है, तो मैंने मुस्कुरा के कह दिया कि मोहब्बतों का दुकान है नफरतों की बाजार में। वाह 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 वाह, मोहब्बतों की दुकान है नफरतों के बाजार में। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। अगर कोई लेना चाहे तो आ जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप तो बड़े क्या कहते हैं, ज़ौक़ वाले आदमी हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आगा। तो कराची से कॉल की थी है। मेरे को एक और कॉलर बड़ा थोड़ा बात दिखता भी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। डॉक्टर कैफी बोलना पिया। डॉक्टर साहब किथे रह गए हो, बड़े दिनों तक याद पे कर रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। सारी तबीयत किसंग है, ख्वाहिशात नफ्स जो है ना कोई ठिकाना नहीं गा। हां हां शायद नब्ज़ कोई ठिकाना नहीं का। क्या बात है, उस माहौल की वजह ना जो है वो बिल्कुल डिप्रेस रहता है। बिल्कुल, अगर माहौल अच्छा तो खुश है, माहौल अच्छा नहीं का तो जो है ना तो डिप्रेस है। ठीक है, तो इसी वजह है कि अगर उसमें अच्छा माहौल मिल सी तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वरना जो है ना तो उस पैसा हल्ला गुला कुछ बनेगा। डॉक्टर साहब इस हवाले कुछ शेर सुना दियो, बिकॉज मैं ना पूरा पिशोर तानू बहुत पसंद करता है। शायरी दे हवाले लगा है, तहरीक तरन्नुम है, तहरीक है तहर्रुक में तरन्नुम देख सारे सांस को, जुम्बशे लब ने अता की जिंदगी आवाज को। क्या बात है, क्या बात है। खुशनुमा फूलों का सेहरा जेब सर है, मुसरत अज़मी में तासमा। क्या बात ओ मुबारक तुझको है। ठीक है कैफी, हमेशा ये सेहरा जश्न शादी का, ये कब जश्न कैफी जश्न शादी का ये कैफ आवर समा। तो अगर शादी भी हो जाए ना, बिल्कुल ठीक है, तो यकीन करो अगर उसने वो बीवी अच्छी ना मिलती, उसने खानदान अच्छा ना मिलती, और डिप्रेस रहती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सारे लोग उसको कहते हैं दूसरा ब्याह कर ले, दूसरा ब्याह कर ले। देखो ना ओ इन्होंने दौलत में कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो है अच्छी जो है और माहौल नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलती। इंतहाई एक नेचुरल फिनोमेना है। जी जी बिल्कुल ही गल है, बिल्कुल ही गल है फिनोमेना। तो इसको कोई नहीं क्या ठीक कर सकता, सिवाय इसे कि वो बदमी बंदा अपने आप ठीक करे, अपने आप को आप ठीक करे। आगा मैं इंतहाई मशहूर हाँ, तुसी मेरे बुजुर्ग हो, तुहाड़े इल्म दी, तुहाड़ी दानाई दी, तुहाड़ी दूरअंदेशी दी मैं हमेशा तारीफ करसा, ते हमेशा तारीफ करता रहसा इंशाअल्लाह। मेरे को एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा किधर पे गल कर दी जी? शाह जी मैं इफ़त जावेद बोलनी पी। गुलबहार। गुलबहार सी किसंग मेरी भैन, ठीक ठाक हो, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाह जी आज इतना अच्छा मौजू है ना, ते मैं कहनी कोई हद ही नहीं है कि वाकई के सकून किधर भी नहीं है। अच्छा मेरी भैन मैं थोड़े सवाल बात करना, मेरी बड़ियाँ पैना मैं अपने पैना देखना कि यार महंगे जेवर लै लैसी हैं, ठीक है, या महंगे के कहते सुरखाब का जोड़ा पा लैसी हैं, तो उससे खुशी मिलती है सानू। ठीक हो गया, तुसी भी एक वो नुक्तादान हो, मनु बताओ जनाब कि तुहानू क्या लगता है कि खुशी, अंदरूनी खुशी किस शायद शामिल है? आगा शाह जी अंदरूनी खुशी जड़ी एक अल्लाह की इबादत करने ना। आए हाय वाह 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 वाह। किसी चीज़ नहीं कि जेवर पासो वक्ती तौर पे लोगों को दिखा के वो कर करा के थोड़ा क्यों जैसी। अरे वाह बिल्कुल ठीक है ना, लोग खुश हो। सुना अच्छा पाया अपने दिल ने का आप हसद पैदा करने वाला, हसद अपने दुश्मन बनाने वाली गल है, बहुत दुश्मन बनाने वाली है। लेकिन जितना सुकून अगर रात नो अधी रात नो के ताजे दी नमाज पढ़ लो, फजर दी नमाज पढ़ लो, जितना सुकून सानू खुदा ताला ना डायरेक्ट राब्ता करने ना मिलसी किधर ना मिलसी। वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इतना जबरदस्त होवे तुआने ए जेवर पा के कपड़ा के दो तरह घंटे कपड़े पासो कीमती सी कीमती सूट पासो, लेकिन कार आके बहुत वही हाल है स्वाड़ा। अच्छा मेरी भैन मैं उन्हें गल दसा, जेवर तो पाते लेकिन वो सुकून नहीं बनता, उल्टा टेंशन बन जाती है कि यार ए जेवर मैं संभाला कितने, ये भी मसला है जी। नहीं जी रात पा के जाओ तो चोरों का भी काम होने पीछे चोर लग वाला जी रक्षिता जासी है, सारे टैक्सी कराओ, सारे जेवर पाए बहुत अच्छे यार वाले भी नहीं, स्पेशल गाड़ी कोई अपना जान पहचान वाला हो, उसको बुलाओ के सारे इतना जेवर पाए है, इतना टेंशन ना ले बाबा ते क्यों पाया ने थानू किने किया कि 20 तोले का सेट पा के तुसी आ जाओ, 20 तोले का सेट पा के। इससे बेहतर है कि ना पाओ, एक अल्लाह नु राजी रखो तो सारे सारे मसले हल हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा मेरी भैन। तुम्हारी गला बहुत लाजवाब होंदी ते बड़ी चिट्ठियां होंदी, उन्हें अच्छी लगदी हैं जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुलबहार सी साड़ी भैन ने कॉल की थी है। बड़ी इन्हों का जरा अंदाज़ गुफ्तगू है और बड़ा यू नो बड़ा मज़ेदार है, तो बड़ी बास टाइम बड़ी हकीकत पसंद, कि अगर असी पेशौरी च कही बड़ी चिट्ठियाँ गल थैंक यू सो मच जनाब, तो आने कॉल की आपने कीमती वक्त दी। यही मेरा जो टॉपिक है कि खुशी किस शायद मिलती है, जेवर मिलती है, नए कपड़े मिलती है या किसी को नीवा दिखा के मिलती है, ये भी मेरा एक पॉइंट है। चलो आज मैं सोचना कि आज मैं कट बोला, आज तुसी बोलो। आज मैं एक और भी सवाल है कि लोगों ना बास टाइम किसी को नीवा दिखा के भी खुशी मिलती है, क्या इस खुशी है? मनु बताओ जनाब, बिकॉज मैं बहसीत इंसान, बहसीत एक आम इंसान जिंदगी च अगर ये दौड़ पे मारना मत, किस वजह पे मारना हो? खुशी वजह पे मारना। मनु खुशी होनी चाहिए, मनु वो सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए मेरे अंदर, वो वकार वो एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि यार जरा कुछ मैं करना पिया उसका इम्पैक्ट है, उसका कोई असर है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो खुशी मनु पे नहीं मिलती तो वह किड़े अवामिल हैं, वह किड़े अनासर हैं जी मेरी जिंदगी मिसिंग है। आज तुम मनु बताओ बाबा जी, आज मैं चाहना कि मेरी भैन ने मेरे बुजुर्गों ने कॉल की थी, मेरे को एक और कॉलर भी हाँ जी गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी मैं सारा प्रोग्राम बड़े शौक नाल देख रहा, मैं बड़ी खुशी हुई है सानी कि अल्लाह ताला ये तौफीक देवे कि असी दूसरे की मदद करिए। अरे वाह। आगा तुसी अपना नाम दस दो मनु। हसरत मुनीर। किस पे गल करते हो तुसी जी? एतबाद जी बोलने, शहर जी मेरी रिहाइश ही। और बड़ी खुशी हुई है मनु साढ़े से। अच्छा मुनीर बताओ जी, मुनीर साहब मुझे बताओ कि तुहानू क्या लगता है कि इंसान खुशी किस नू कहंदा है, या खुशी दा किड़ा अंसर इंसान दे कोल होवे तो अपने आप को कहना कि यार मैं एक खुशहाल जिंदगी पे गुजारना पी है, मैं थोड़ी के राय में जी। एक एक तो थोड़ी रूहानी खुशी है, हाय हाय ए अल्लाह ताला दी इबादत कर दियो और उसे दिल दी गहराइयां सी कर दियो तो यकीनन सानू जेडी खुशी महसूस होंदी है ओदा कोई नेमल बदल नहीं गा। हाय हाय वाह वाह। और फिर तुसी एक गरीब आदमी दी ऐसी अपनी मदद कर दियो ते और सानू एक रूहानी खुशी भी देंदा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस मैं इस हवाले में गल करना चाहना है आगा कि अल्लाह ताला सानू भी आबाद रखे कि तुझे प्रोग्राम में कर दे। बहुत शुक्रिया मेरे भरा, मेरे बुजुर्ग तुझे, मेरे वड्डे जनाब बहुत शुक्रिया तुहाने कॉल की। दिल पेशोरियो बाखुदा तुसी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हो, मैं इस प्लेटफॉर्म ते खलो के ना मैंने जरा एक देखा जितने तुसी टैलेंटेड हो ना, जितना थोड़े यू नो थोड़ी जितना एक सोच का मयार है, मैंने बहुत लोगों ने मेरी इंटरेक्शन हुई है, लेकिन थोड़ा अपना एक मिजाज है तो मैं बड़ा मशहूर हाँ जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मेरी मावा भैन मेरे बुजुर्ग जो आंदे हैं तो बाखुदा मेरा दिल, मेरा कोई 5-10 किलो खून बच जाता है कि यार बहुत आला यार जिन लोगों में मैं खड़ा हूँ वो बात पर समझते हैं। एक ए मयार तो इंशाल्लाह ए मयार इंशाल्लाह कायम रहसी। चलो मैं भी एक तौर गौरव था मेरे भरावान ने किया कि यार रूहानी खुशी, मेरी भैन ने किया जनाब अल्लाह ताला जिक्र सी। एक बंदा एक बहुत बड़े वली कोल चला गया, मैं नाम चलो आगे चल रहे हैं, एक वली कोल गया तो उन्हें पूछा कि मेरे कोल दुनिया दी हर दौलत है, खुदा ने मनु हक में वक्त बढ़ाया है, मेरे कोल सोने दे अंबार हैं, मेरे कोल चांदी दे जखीरे हैं, मेरे कोल मेरे 15 पुत्र हैं, मेरे कोल दुनिया दी हर मनु लोग जिले इलाही कहते हैं, मनु लोग बादशाह हिंदुस्तान भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो किसी ने उस जो फकीर के दर ते गए कि यार लेकिन मैं खुश नहीं गा, सवाल है जनाब मैं खुश नहीं गा। तो उस फकीर ने किया कि तू बादशाह बन के आया, उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा पहले इस संग बन के आ जिस संग सवाली आंदे मेरे दर ए फकीर दा डर रहे है ना, ए तेरी बादशाही अपनी मेरे दर सी बाहर छोड़ के आ, मैं कॉलर लेना वा ए वाकया सुन लेना तुहानू याद रहसी यार। मैं कॉल लेना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जो मौजू है ना ये साढ़े पिशोरिया के घर जो है ना जी ये बड़ा ज्यादा वे बन बना दिखाना जो है ना ये चीजें जी। अगर जी पहले मनु अपना नाम दसो तो ये बताओ किड़े इलाके में गल करते हो जी? मैं पेशावर शहर इसी कैंट एरिया से मैं गल पे कर सकती हूं। अपना इसमें ग्रामीण बतासो मनु, नाम बतासो मनु अपना। मेरा नाम एजी खान है। एजी खान। इरफान साहब। अच्छा जी इरफान साहब ए जो है ना अच्छा एजी खान का क्या मतलब है? एजी खान ए अब्दुल गफार खान नाम। अब्दुल गफार खान साहब अरे वाह अरे वाह अरे वाह। हुण अता करो जी ए जिहड़े शहर दे लोग ना असली मैं तुहानू बतावां जिस टाइम ते के इथों सी देखो पहले जिस टाइम ते पाकिस्तान सेंटर शहीका है जो हिंदू जिहड़े सुन गए ना वो जिहड़ी अपनी रस्मां कर दे और रस्मां जिहड़ियां ना हुण भी इंडिया फिल्मां जको साडे कोल होण ओ भी रस्मां शकीया बहुत आला बहुत आला अभी मेरी गल सुनो कर्ज लै लेती है अभी सूद पे पैसे लै लेती है अभी जो कुछ कर दिए लेकिन सानू रस्मां जिहड़ियां करनी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है साड़ी धी भैन ने बीवी ने साड़ी मां ने सारे और रस्मां जिहड़ियां फजूल बेहुदा रस्म खाने करनी चावल सटने दे केड़े अभी वो चीज़ा करना तुसी हुन बताओ की जरूरत है उन्हां पैसियां ते जेड़ा किसी गरीब बच्ची दी शादी हो सकती है वलीमे दे कासी जुल्म पे करने पे हैं जी खान साहब अगर उन्हें कोई पूछो ना कि तुसी ए खर्चा पे क्यों कर दे पे हो ते तुहानू कैसे साडी खुशी है ना आप इस चीज की इस खुशी नहीं की ए तो उल्टा एक टेंशन पे पाल देना अपने वसे जी ना ना एक ही खुशी है जी अरे वाह एक खुशी नहीं ये साड़ी बन बढ़ावे ए बन बढ़ावे ए मुद्दा में जना ओए ओए अगले नो असी असी नीवा दिखा कहने के एक साड़ी को ले तू ये आदमी तेरे को नहींगा हाँ मेरी अभी ये करने दी ब्याह शादी जाके मैं बता ले जी खवातीन जड़िया कहने जी ये वाला जोड़ा मैं नहीं पानी मैंने तुम उन्होंने बता किसने अजे तक किसी गया कहते हैं फलानी शादी के घर ये जोड़ा पाया थे ये जोड़ा तने फलानी क्यों पाया वे ठीक है बिल्कुल लाजम नवा जोड़ा तो ये सारी चीजें हां बिल्कुल मतलब ओ शमा जेडी थोड़ी 10 तरह से जो पाओ लेकिन अपने आप को कर्जदार करना जवाज ए खुशी दा जवाज नहीं बनदा ए थोड़ा मकसद है बहुत शुक्रिया एजी खान साहब बहुत शुक्रिया तो आने अपनी कीमती टाइम से मैं कॉल की है बड़ा देखो जरा पॉइंट्स में आंदे पे ना मैं तो सवाल किया है लेकिन बाखुदा एक गुलशन आप ही साजदा है मैं ना एकदम आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक माय पीपल ऑलरेडी जी वेलकम बैक पिछोरे जनाब तुसी भी देखते हो आपका इंतहाई फेवरेट प्रोग्राम इंतहाई फेवरेट प्रोग्राम दिल पिछोरे जनाब मैं थोड़ा होस्ट नहीं थोड़ा दोस्त है थोड़ा खातिम शाह जी जनाब आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है सानी तो सिर्फ डंका बजाया इस टॉपिक का तो जितने अच्छे नज़रिए पे आंदे पैन बाखुदा मैं खुशी होती है कि जो इतने पढ़े लिखे लोग इतने मुहज़्ज़ब लोग इतनी तहकीक करने वाले लोग इतने मुहक्किक लोग इतने हकीकत पसंद लोग हाँ जो वो आंदे जो वो गुफ्तगू का एक आगाज़ कर दें जनाब तो मैं खुशी होती है कि हाँ मेरे को भी हीरे मौजूद हैं जनाब मेरे को कॉल आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर शाह जी किथे हो आगा तुसी बड़े दिन सी जी बिल्कुल मौसम बेटा मैं थी है सिर्फ पिछला एक प्रोग्राम आया वो मेरे से मिस हो गया अच्छा कोई गल नहीं अगर बस वो एक प्रोग्राम मिस होने का मतलब ये है कि सोवा प्रोग्राम मिस हो गए हाँ वो बिल्कुल वो कहते ने जो इंसान दे सामने ना होवे तो अदर याद कदन आंदी ना तुम्हारी याद सानू बड़ी आंदी है जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश अच्छा आज का टॉपिक पे सुन दे वागा मैं चाहता कि तुसी इस ते रोशनी पाओ जी हाँ जी आज ये प्रोग्राम दा जरा मैं देखा ना जी जे मैं लोगों ने भी सुना बार हर एक ने अच्छे तरीके जो हर चीज़ में बयान की थे इस तरह देन है कि जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले अरमान मगर फिर भी बहुत कम निकले ठीक है जी इस तरह इंसान की ख्वाहिशात न मिटने वाली ख्वाहिशात ठीक है बिल्कुल सही है और एक ख्वाहिश पूरी होती है दूसरे पीछे लग पे एक दौड़े लगते रहते हैं एनी हाउ जो अज का टॉपिक है कि फिर भी उसको वो खुशी नहीं मिलती जी वो महसूस करनी चाहिए तलब कर रहा है जी वो चाहत करता है तलब करता है उसका वजह यह ना कि एक जरा इंसान को सुकून मिलता है ना वो सबसे बड़े अल्लाह के जिक्र देना सुकून मिलता है पहली गल तो वे दूसरी गल है कि एक शख्स आया बड़ा मालदार है बहुत कुछ उसको लाया यानी हर चीज़ उसको लाई यानी बिल्कुल वो किसी चीज़ उसको कमी नहीं आई ठीक है लेकिन उसको खुशी नहीं आई अच्छा उन्होंने खुशी नहीं अंदरों खुश नहीं आया एक दिन उसको किधरे मौका मिले जाने दा किसी दारुल कफाला या अच्छा। उस जगह ते होते कि जिस जगह जो होते बच्चे परवरिश पे पाने ठीक है जिस माजूर बच्चे या जो भी है उसे जाने दो उसको मौका मिले उसे हो गया अच्छा। उसे अपनी तरफ से जो भी है उन्होंने दिता सो बच्चे उसको मिले उसको देख के खुश होन इसने उसे पैसे वंडे व्हील चेयर वंडी जो कुछ मिली कारूर के जो कार आए ना तो तुम यकीन करो कि वो खुशी उसके अंदर आई है ना कि जी जिंदगी दे विच वो खुशी नहीं हासिल कर सका बांटने से खुशी मिलती है वाह खुशी के लिए मतलब कहने के कि तुसी खुशी तुहानू मिलसी हकूक उल इबाद नाल ठीक है लोगों की मदद करने नाल यतीमां दे जड़े बेवाओं जड़ी मतलब तुहानू वो हकीकत खुशी मिलसी यानी असी वो लोग ऐसी ने बिल्कुल एक नाचीज जे लोग मेरा एक जुमला याद आ गया कि असी खुशी तलबगार तो है वहाँ, लेकिन असी गलत बाजार जाके खरीदारी पे करने पाए खुशी दीजिए खरीदारी करने ये इवन कैसी भी आपने यानी लड़कपन दे बीच या थोड़ा जे जो ग्रोन अप होया तो जो तो किसी फकीर नु पैसे देने तो सानू भी अंदर ये खुशी महसूस होंदी अलग कैसे ना मालदार ना करोड़पति है ना अरबपति है लेकिन किसी दी संग मदद करनी अंदर खुशी होंदी एक सुकून हां जी उसी वजह से कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग मुतमईन होते हैं जो अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। अल्लाह आगा तोने बाखुदा इस पूरे शो दी जेड़ी एक असास है उसनू उजागर किया है। मैं इंतहाई मशहूर हाँ तोने अपनी कीमती टाइम से मैंने कॉल की है। आई मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सवाल है कि यार खुशी किस संग मिलती है। मेरे को एक और कॉलर भी मैं अल्लाह मैं शुरू भी लाओ मैं शुरू में लिखी था अपना ठीक हो गया तो मेरे एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक मैं ठीक ठाक जी। कौन साहिबा किधर पे गल कर दी जी? मैं मोना जफा ना, मैं प्रोफेसर कालूनी से बोलनी पई हां। अच्छा जी, किस संग हो? ठीक ठाक हो? खैरियत जी? शुक्र शुक्र। आज दा मौजू बहुत अच्छा है, ताने मुंतखब कीता है। खुदा करे कि सारे जड़े जड़े देखदे पेन खास कर होता और जरा कुछ सबक लूं ना इसी। अरे वाह, अरे वाह। देखो जी, असल जी खुशी है ना वो अल्लाह ताला नू राजी करके आंदी है, बहुत उम्दा। दूसरी खुशी जी है तो इंसान अच्छी सेहत हो तो सबसे बड़ी खुशी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तीसरी खुशी जी है तो वो साथ आंदी है जे साथ, लेकिन इंसान के नामे कुछ अल्लाह नू राजी वो तो मैं पहले कह चुकी हूं, लेकिन मैं एक गल जरूर कहसा कि देखो साढ़े जड़ा माशरेकार किथे मर्ग होंदी है ते लोग जिहड़ी औरतां जानियां तो इतनी बन सवर के जानियां ते जेवर ऐसे सोनिया दे जेवर पा के शायद अज दे बाद कभी मौका ना मिलसी ना, वो देख के बहुत ज्यादा अफसोस होता है। बहुत अच्छी गल तुआने की थी, बहुत अच्छी तुआने गल की थी। मैं तो यही कहता कि ऐसे मौके तो इंसान सादा लिबास ही जाना चाहिए। सादगी सादगी जनाब, बहुत उम्दा जी। मेरी माँ मेरी दरख्वास्त करे कि कुछ सबक सीखिए, कुछ इस पे अमल करिए। सोना ही सब कुछ निंगा बड़ बड़ाई कुछ नहीं बड़ बड़ा साढ़े नग बड़े ज्यादा जी जी सच कहने सच। मेरी माँ तुसी मेरे से खास दुआ करा करो, मैं तुम्हारे मेरी इल्तिमास तुम्हारे बसे जी। बिल्कुल अल्लाह ताला खुश रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन जी। बहुत शुक्रिया मेरी माँ तुमने कॉल की थी। मैं गल हमेशा कर सा मैं तमाम मावा दा पुत्तर बिकॉज मावा ने मेरा अपना एक नाता वे और नाता बहुत मजबूत है। मेरे एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली कौर साहब किधरों पे गल कर दिन जी? छोड़ना अजीब बात आपड़ी गल पे कायम न रहना कि अगले आखिरी दफा तनु अपना नाम बताना ना पैसी हफीज साहब हफीज सिद्दीकी साहब सुनाना शुरू मैंने मनु तो पकड़ना चाहा लेकिन साना भी मेरा पतली एक जगह गली भाग गई। ठीक हो गया आगा किसे ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह आपड़ी सुना शुक्र है यार। तेरी आवाज चाची आंदी भाई नजर आदी तू यार चाची आंदे अच्छा लगना तेरा चाचा जनाब थोड़ी मोहब्बत है थोड़ा प्यार है थोड़ा खलूस है। अल्लाह तनु खुश रखे भरा। इलाही आमीन। आज तक टॉपिक पे देख दे आगा मैं चाहना कि तुसी रोशनी पा आगा जी। टॉपिक तो तेरा मैं बड़ा जल्दी आया हूं मैंने के देखा सही तेरा टॉपिक देख जा सिर्फ तने ये लिखा है। हां मैंने टॉपिक ए वे के इंसान नू खुशी किस शैल नाल मिलदी है? अच्छा पैसे नाल मिलदी है, वड्डी गड्डी नाल मिलदी है, यानी कोई और शैमा मन जिस दी बदौलत इंसान दे दिल नू खुशी मिलदी है जी। असली अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं बेशक फिरके नु छोड़ दे मुसलमान अल्लाह के रसूल नु मानने वाले हैं बेशक बेशक। ते जब अल्लाह ने कह देते कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब वाह 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 क्या बात है। तो वह सानू दुनियावी चीजों दे इकार खुशी बस जवाब नहीं पांदे किसी और शायद आ बहुत उम्दा। हां तो बस दुनियावी खुशियां दे गल सुन ओ एक चीज तेरे कोल होवे ना मेरे कोल नए कपड़े होन तो मैं दूसरे से देख के कहना यार इस रंग दे मेरे कपड़े में नहीं होने चाहिए। सही है। अगर कारज पे गोश्त खाना हो तो यार वो फलाना पे निका गोश्त खाना मैं क्यों नहीं खाता। बिल्कुल ठीक है। वो तो भाई तू जो तेरे को है देखो साढ़े अपने मीडिया वाले लोगों ने बड़ा जबरदस्त एक इश्तिहार बढ़ाया टीवी ने कि थैंक्स टू अल्लाह व्हाट यू हैव। बिल्कुल ठीक। ओह उम्दा वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओ आखिर यही कहना ना कि थैंक्स टू अल्लाह व्हाट यू हैव जो है ही कोल उससे शुक्र अदा कर रहा है। बड़ी बड़ी बात है बड़ी बड़ी बात। मेरे खुश कोई भी नहीं होता वो बचपन एक सबक पढ़े है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। होता लेकिन आगा मनु ये खुशी है कि तुसी मेरे को खुश होए मनु खुशी है जनाब। ठीक है मैं तो तेरे को शहजादे जी खुश है कि मैं कभी टीवी ते कोई प्रोग्राम नहीं कीता, लेकिन तेरे प्रोग्राम दी खातर मैं दौड़दा जनाब। तुसी सारा मेरे असासा हो, तुसी मेरे हीरे मोती हो आगा, जेड़े मैं कमाए, जेड़े मैं कमाए। खुदा तेनू खुश रखे ते तेनू खुदा हिम्मत देवे। मेरी अपनी जुबान नाल बड़ी मोहब्बत है, मैं जदों इनको बोलदे लोकां नू देखना मेरा दिल बागो बाग हो जांदा। मैं तुहाडा इस ज़ौक सलामत रहे, बहुत शुक्रिया आगा। तुहाने अपने कीमती टाइम सी मैनू कॉल कीती है। तुसी सारे जनाब मेरे मोती हो और तुसी सारे मेरे फुल हो। मैंने तुहानू यू नो मैं पता नहीं कहना चाहिए, मैंने बड़ी मुश्किल थोड़ी मुहब्बत जीतियां। मैं हमेशा एक गल करना, लोग कहते यार कि ये मेरी इज्जत नहीं करता, ठीक है, ये मेरा मैं हमेशा गल करना कि यार इज्जत करवाई नहीं जाती जी, इज्जत कमाई जाती है। ये मेरा एक मुद्दा है, ठीक हो गया। तो ये शायद थानू तो कुछ करना पैसी तभी लोग थोड़ू उस इज्जत की निगाह देखते हैं। जनाब मैं थोड़े सारे का, अपनी मावान का, भैनों का, अपने बुजुर्गों का, जवानों का, बच्चों का मैं मशहूर हाँ। तुमने अज वत एक दफ़ा इस शो के जेडे जेडे सितारे है और वत चमक के आए। मेरे को एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ईशा जी, क्या हाल है जी? तुम अच्छे हो जी? मैं ठीक ठाक जनाब। अली कौन साहब किधरों पे गल करते जी? मैं क्वार्टर पे गल कर रहे हैं, मोहम्मद अली शाह जी। जी अली साहब किसंग आज तुमने बड़े दिन बाद कॉल की थी अली भाई मनु। अच्छा क्या हाल है शाह जी? बस कॉल नहीं मिलनी, बस हर दिन बिजी होना है, बस कोशिश करने रहने है, लेकिन बस अच्छा अल्लाह ताला तुम खुश रखे, तुम देखने तो खुश होने हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये बताओ आज दा शो पे देखते पे हो, मेरा सवाल है कि खुशी इंसान नू किस शैश मिलदी है? तुसी अपनी मनु राय बताओ जी। खुशी इंसान शाह जी वेखना सादगी विच होंदी है। मैं इंसान आज भी पुकारे, आज जरा आज मेरी दुनिया की सारी कामयाबी वो आज भी बेचे आज ही। लेकिन अरे लोग आजकल ख्वाहिश है पीछे भागते हैं, दूसरे आदमी को देखने ओ इतना की कर दे उसके पीछे लगे रहने। लेकिन इंसान जितनी सादगी हुई अपने आप में हसीयत के मुताबिक कुछ काम करे ना, उससे ज्यादा खुशी होती है, उसे खुशी उसे तो सुकून मिलता है कि यार जेड़ा मैं कीता वो काफी है, वो कीता काफी है जी। और सदके थोड़े बहुत सदके भी सोनी गल कीती ने, बिल्कुल जी इसी तरह ने जी। अरे वाह, अरे वाह। आजिज़ी एक गल है कि आजिज़ी बड़ी बड़ी बादशाही है, अगर कोई समझना चाहे जी, बड़ी बड़ी बादशाही है, बिल्कुल जी, बड़ी सारी बादशाही खुशी है। अरे वाह, अरे वाह। आगा तुमने कोहाट से कॉल की है, मैं इंतहाई मशहूर हाँ। कोहाट होवे, हरीपुर होवे, पेशावर होवे, जना पूरा पाकिस्तान होवे, कराची होवे, थोड़े सारे की कॉल्स मेरे वैसे बहुत मुकदम हैं। मैं एक गल शुरू की थी, लेकिन मैं लैना वा दमा एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल। ऑलराइट जी, वेलकम बैक पेशोर जनाब। उम्मीद करना आज दा टॉपिक तुहानू पसंद आया। उसी साने हमेशा कोशिश की है कि वो टॉपिक्स आइए जिहड़ी इंसान दी जिंदगी जो दा इंपैक्ट है, ठीक हो गया। साढ़ा नंबर जनाब थोड़ी स्क्रीन पर, साढ़ा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पर। साढ़ा सवाल ये अज था कि यार खुशी इंसान को किस शैल मिलती है, तो यही मेरा बॉटम लाइन अज का टॉपिक आया। अच्छा मैं एक वाक्य मैं तुम्हें सुनाना है कि एक बादशाह आया जो तो मतलब एक गया एक फकीर दर दे, तो उन्हें किया यार एक अपनी ये बादशाहत इसंग आज इसंग एक मंगने वाला या एक सवाल ही आंदा है, ठीक हो गया। तो उसने किया उस फकीर नू कि मनु मेरे को सब कुछ है, मेरे को दुनिया की हर दौलत है, हर शायद मेरे को एक शायद नहीं क्यों नहीं गया जनाब, मेरे को खुशी नहीं। तो उस फकीर ने एक जवाब दिता उन्होंने, और जवाब मनु बड़ा अच्छा लग गया। उन्हें किया यार खुशी तेरे कोल इस वजह नहीं गी, दी वजह है कि जड़े लोग दूसरे लोगों को माफ़ नहीं करते ना, उन्होंने अल्लाह ताला कभी भी दिल की खुशी नहीं देता। एक गल मनु इतनी अच्छी लगी कि यार अगर जड़ा इंसान दूसरे उन्होंने गलतियों के बावजूद माफ़ कर देता है, ठीक है, उन्होंने गलतियां उन्होंने खतावां उन्होंने साजिश भी कह लो, ठीक हो गया। जड़ा इंसान माफ़ करने की सलाहियत रखता जनाब, उसके दिल च खुशी का बूटा आप ही आप हो जाता, उसके दिल च खुशी दे अपना एक वजूद पैदा हो जाता। बिकॉज जो एक इंसान किसी को माफ़ करता है जनाब, वो इस उम्मीद से माफ़ करता है कि यार रोज़े हशर वो ज़ात भी मेरे गुनाहों के सिरे मनु भी माफ़ करते सी। ये मेरा एक बड़ा एक पहला जो पॉइंट है वो यही आया कि यार बिल्कुल जिक्र खुदा मौजूद है, लेकिन अगर इंसान दूसरे को माफ़ कर दे जनाब तो ये भी खुशी हासिल करने का एक बड़ा बड़ा जरिया वे। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा किधर पे गल कर दिए जी? जी शाजी अरूज बात कर रही हूँ पेशावर से। जी अरूज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ जी, अब मैं वापस गेम में हूँ जी। जी वाकई आपका पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आवाज़, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई थी, बट नाउ वी आर रोलिंग इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। बस आपका आज का शो हम पूरी फैमिली देख रहे हैं। अच्छा। और हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी आपसे बात करने में होती है। अच्छा लेकिन तो लेकिन शाह जी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। खुशी जो है इंसान को, मतलब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि खुशी इंसान को जो है वो अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, अपने अंदर। अच्छा सही है। ख्वाहिशात के पीछे भागने से खुशी आपको नहीं मिलती, क्योंकि ख्वाहिशात तो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। ठीक है। तो खुशी जो है वो आपको अपने वजूद को मुतमईन करने में, अपने अंदर एक सुकून ढूंढने में, जितना आप पुरसकून रहेंगे, जितना आप अपने अंदर मुतमईन रहेंगे, उतना ही आपको बाहर हर चीज़ मुतमईन कैसे रहा जाता है? बस मेरा सवाल दूसरा ये ले लें आप। मुतमईन इस तरह रहा जाता है कि जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो चीजें हैं, शाबाश, उस पे आप शुक्र अदा कर दें, आप मुतमईन हो जाएंगे। वाह। चाहे आपके रिश्तों की फॉर्म में है, या आपके पास पैसे की फॉर्म में है, या आपके पास औलाद की फॉर्म में है, या नौकरी की फॉर्म में, जिसकी भी फॉर्म में है, आप उस पे इस बात पे राजी रहें कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो ये बहुत बेहतरीन, ये बेहतरीन है मेरे लिए। अरे बहुत उम्दा है यार, बहुत उम्दा। राजी हो जाएंगे आप, मुतमईन होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये खुशी होगी। बहुत उम्दा। तो मेरा तो सबसे बड़ी हमें ये कि रिश्तों पे खुशी ढूंढनी चाहिए। अच्छा। तो रिश्तों, लेकिन हम आजकल के लोग जो होते हैं वो हम बाहर की ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश में और इन चीज़ों में खुशी, और आप देखें उतने ही वो लोग गैर मुतमईन होते हैं, गैर मुतमईन होते हैं। उम्दा। अल्लाह की जितना हम अल्लाह की तरफ अपने आप को राग़िब करते हैं। इंतहाई तो अच्छे पॉइंट रेस किया रू साहिबा, बहुत शुक्रिया। मेरी भैन तुमने कॉल की है, तुम भी कॉल कर सकते हो जनाब। साढ़ा नंबर थोड़ी स्क्रीन पर है, साढ़ा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पर है। जिक्र खुदा डिस्कस होया, बिल्कुल ठीक हो गया। साने कोल गल डिस्कस की कि आजजी वाले जे आजिज पसंद होंगे वो खुश रहेंगे। मैंने एक होर गल की कि यार वो लोग जे दूसरे को माफ़ कर देंगे, ठीक हो गया, वो खुश रहेंगे। एक होर गल चलो ले लो मेरे को, वो लोग जड़े रिश्ते निभाते। अरे वाह शाह साहब, एक गल तुम लिया किधर हो मैं भी नहीं पता, लेकिन वो लोग जड़े रिश्ते निभाना जानते हैं, जड़े रिश्तों तकवीयत बख्श दिन, जड़े नफरतों के बड़ी अच्छी रही गल मैं लगी कि यार मैं मुहब्बतों की दुकान चलाना वा लेकिन नफरत के बाजार, ठीक, बड़ा अच्छा जुमला लगा मैं, ठीक हो गया। जड़े लोग ये अदावत दूर रख के रिश्तों फौकियत देंगे जनाब, वो लोग भी खुश रहते हैं। एक गल तुम मन लो मेरी, एक गल तुम मन लो। मैंने बड़े लोग देखे, बड़े लोग देखे जिन्होंने फजूल दियाँ अदावत पालियां, एक दो दिन नहीं साल मुद्दत, बड़े करीबी रिश्ते, भरादे भरादा मैं जे, मतलब भैन तो भरादा मैं जे रिश्ते पछाण ना कि जनाब सालों हो गए, भैन ने भरादा मुँह नहीं देखा, भरा ने भैन का मुँह नहीं देखा जनाब। लेकिन अगर तुम उन्होंने अंदरून देखो, लेकिन जनाब उन्होंने अंदरून तो वध भी यही कहते हैं कि यार ये मेरी भैन है, जो कहता है ये मेरा भरा है, लेकिन अंदरून तो ही पे कहता, तो अंदरून इस गल से मजबूर करता पे होंदा कि यार खुशी का जड़ा बाग सजना चाहिए, उस फल पैन लगते, उसकी वजह जनाब वो जी रिश्ते ना निभाने की जी कैफियत है वो भी मजबूर कर दी है इंसान कि यार खुशी तेरू बेशक मैं मन ना कि तू भावें 80 लगती गड्डी फिरदा हो लेकिन तू खुश ना हो सै, उसकी वजह है जनाब एक रिसर्च है कि जड़ा बंदा अकला अकला रहा, जो बंदा हर एक को बस ठीक है जा यार, वो कभी भी खुश नहीं रहता। वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जोड़े पुराने लोगों, या अपने लोगों, या अपने पुराने रिश्तों, अपने पुराने दोस्तों अपने नाल रखते हैं। तुम कोई रिसर्च देखो जनाब, तो वो लोग दुनिया ज़्यादा खुशहाल हैं जिन्हों के रिश्ते उन्होंने को खुश हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक इल्तिमास है कि यार मैं मनना कि यार जदाद के तनाज़े हैं, मैं भी मनना कि यार कोई रिश्ते तनाज़े हैं, मैं सब सारी शव मनना जनाब, लेकिन मैं एक गल और भी मनना कि ये दुनिया भी जनाब, ये जिंदगी जी 50 साल, 40 साल, 45, 60, ये नफरत पर से बात नहीं की है जनाब। मेरे को कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, किस तरह हो? ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक। कौन साहिबा किस तरह पे गल कर दी जी? मैं मिसेस मुजरत की गल करनी है पेशावर से। अरे वाह, किस तरह? ठीक ठाक हो? खैरियत है जी? ठीक ठाक, तुसी अच्छे हो? तुमने पहले भी कॉल बड़े दिन बाद तुमने कॉल की थी जी। जी बस मसरूफियत, तुहानू पता होसी मसरूफियत है बस इस वजह तो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुसी बहुत अच्छे हो। तुहाडा अज दा जेड़ा टॉपिक पे चलदा है ना कि खुशी, आजकल दे इतने सख्त टाइम विच खुशी ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। अरे वाह। ते मैं तुहानू बता सा ना कि ए जड़ी साडी ट्रेंड्स ते ब्रांड्स ते स्टेटस ते स्टैंडर्ड दी दौड़ ने ना सानू लेके उना खुशियां सी दूर कर दिता है। सानू खुशियां सी देखो ना ओई फंक्शन होंदे लोग पहले सेलिब्रेट कर दे बक्सा लेता घर गए मैं वरी दिखांदे जी मनु इतना अच्छा लगदा है ब्याह जो साडे खलो के ना वरी दिखांदे मनु ओ रिवायत इतनी पसंद नहीं है। ओले ओरिजिनल ब्याह होंदे शादी ओ ओरिजिनल खुशियां होंदी यार वो क्यों उसी जो स्टैंडर्ड नहीं होंदा ते स्टेटस नहीं होंदा यार हुन स्टैंडर्ड ते स्टेटस ने खुशियां जड़ियां सही खुशियां होंदियां ने उनां नु भी खत्म कर दित्ता। बहुत उम्दा यार बहुत उम्दा बहुत समझ आई ने तुसी चुगियां देखो ना ते त्याड़ी उनां ने मंग पिन के गुजारा कर लेता ते राती ओ अपना खुशी दे खा पी के बेगम ओ पके बगैर बत्ती बगैर हाय 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 वाह वाह। अच्छा मैंने गाल सुनी है ए हां जी के चटनी नाल रोटी खाओ लेकिन दिल थोड़ा खुश होना चाहिए भावे तू चौंपड़ी च रहंदे हो जी ओ कहने ना प्याज होगी पर न्याज ना होगी समझ आई है बहुत आला प्याज होवे ना न्याज ना होवे बहुत आला न्याज ना होवे। देखो साडे ते खून ही शामिल है देखो सानू ते साडे वडियां ने देखो हुर नु जदो उस यजीद ने हुक्म दिता कि जा 1000 फौज लेके जा ते उथे जाके ते उनां नु कह के तुसी साडे हाथे बैठ करो इमाम हुसैन नु लेकिन उनां ने प्यासे ते इमाम हुसैन ने पानी पिलाया है। हाय 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 समझ आई साडे ते खून ही शामिल है। क्या बात इमाम हुसैन ने आपड़े जड़ा बैठ लेने से आया और यजीद दी तरफो उसको भी पानी पिलाया है उसको भी बिठाया साडे ते ए मोहब्बत दा पैगाम आया। अरे वाह हां जी मोहब्बत दा पैगाम आया ते बस असि इतना शवन नाल सिक्के बाकी आजकल दे टाइम इतना शादी याद रख कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं गया मैंने आजमा लेता है रिश्ते बहुत जरूरी है यार क्या बात है। मैंने मेरे वाले साहब एक गल कर दें मिसेस मुजद्दद कि जी इंसान तदी नफरत पाले ना या किसी शय पे से लड़े कि जो इंसान दे कफों ने जेब होवे जनाब तदी इंसान नु नफरत पालनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया तुहाने कॉल की बड़ी बड़ी दिल दिया गल प्याज होवे नाले न्यास नाल होवे बहुत अच्छा लगी यार जुमला मैनू अज दो तरह जुमले इंतहाई अच्छे लगे थे ये भी एक जुमला आया कि प्याज होवे नाले न्यास होवे जनाब चटनी होवे लेकिन खलूस होवे चटनी होवे लेकिन मोहब्बत होवे चटनी होवे लेकिन मथा खुलाया होवे ठीक हो गए भावें शीट ने चटनी सलाद ना रखो मेरे से ठीक है मैं थोड़े नाल दाल भी खुशी नाल खा सा लेकिन ओ मथा और जरा खलूस है और जी मुहब्बत है। मनु कल एक शख्स मिले उन्होंने कहा यार मेरी वालदा थोड़े बड़ी मुहब्बत कर दिया ना ठीक हो गया मैंने आखिरी गल करते बाद निकलने आखिर थोड़ी मुहब्बत कर दिया मैंने कहा वालदा कारण कहते हैं हाँ जी मैंने कोई बच्चा उन्होंने है कहते क्यों जी मैंने कहता उन्होंने वीडियो कॉल करो मैं गल करना जनाब उन्हें उस बच्चे ने जिस की वीडियो कॉल में लाई थे एक ही दम में उन्होंने सामने आ गए तो उन्होंने माँ अखियाँ एकदम अथरू आ गए कि यार बच्चे मैं कल तेरा पे जिक्र कर रही ये तो मेरे सामने आ गया। जनाब मैं हमेशा गल कर सा कि मोहब्बत बांटने वाले कभी भी रुसवा नहीं होते ये मेरा जुमला है आज तक ठीक हो गया। खुशी तद मिलती जो तुसी माफ़ कर सो या तुसी रिश्ते निभा सो या तुसी अल्लाह जिक्र कर सो जो तुसी अपनी जिंदगी सादगी नालते इस नक की फिक्र ना करो जनाब सिर सलामत नक बहुत ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखो मैं मिलना मैं तुहानू कल 7 बजे दिल पेशोरी में जनाब अस्सलाम वालेकुम माय पीपल दो।